सेठी जी, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि कल से इतना पूरा माहौल बनाया हुआ है, छका रहा है वो आपकी पुलिस को। खबर ये भी मिल रही है कि देश छोड़कर वो भाग चुका है, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो राज्य सरकार है वो पूरी तरह सतर्क है। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इस इशू को देखिए, एक व्यक्ति बाहर से आता है और यहाँ पे आके 6 महीने के अंदर इतना कुछ करता है, उसको किसने प्लांट करा, उसके पीछे कौन सी संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा देश है, इन सारी चीज़ों को सेंट्रल सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके, चाहे रॉ हो चाहे इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हों, उसको उस प्रकार से डील किया जाता है जो एजेंसियाँ जिस प्रकार डील करना चाहिए। तो उसके ऊपर एक्शन हुआ है। पहले आप कह रहे थे एक्शन नहीं ले रहे, अब एक्शन हुआ है तो उस वो अभी लेना चाहिए था ना, जब अजनाला कांड हुआ था। नहीं नहीं, आप इतना उसको बड़ा बनने देते, क्यों आपने मौका दिया उसको हीरो बनने का, क्यों आपने उसको इतना अभेदान जो दिया गया? और सोचिए ना कि पुलिस के ऊपर कितने सवाल उठे थे। देखिए, बहुत सेंसिटिव इशू है। जब हजारों की भीड़ सड़कों के ऊपर होती है तो सरकार को और एजेंसियों को देखना पड़ता है कि किसी का जान माल का नुकसान ना हो और माहौल के अंदर जो प्रदेश के अंदर माहौल खराब ना हो, लोगों में एक इस तरह का माहौल ना बने कि ये क्या हो गया है। इस प्रकार से एजेंसियां इस चीज का डिसीजन लेती है और सेंट्रल सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आपस की सलाह के साथ, सरकार की सलाह के साथ इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। उसी प्रकार से इसके ऊपर एक्शन लिया